थोड़ा सा हट के ड्रेसअप करना था मुझे, सो दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड लाइक अ सिल्वरिश ग्रेश, यू नो यू कैन इवन कॉल इट आई थिंक ग्रे विद अ लिटिल शिमरी एंड यू नो आई लाइक ब्लिंग, दिस द कलर एंड द नंबर आई सेलेक्टेड. मुझे थोड़ा सा फ्लोई चाहिए था, सो अ लिटिल मोर फ्लोई दिस टाइम, तो कुछ हटके करना था फ्रॉम द प्रीवियस लुक, सो दैट्स व्हाई जो इस बार स्टाइल करी है माय नेहा एंड द आउटफिट इज डिजाइंड बाय आलिया, सो या एंड ऑफ कोर्स रेड कार्पेट पे हम होते हैं, एक अवार्ड में आते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक जन की नहीं बल्कि आपकी स्टाइलिस्ट एंड मेकअप है, सबकी मेहनत होती है एंड देन जो भी आउटकम होता है वो यहाँ है. ओके, सो कैसी रही शाम होने में परफॉर्मिंग? जी हाँ, मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा गया, आई रियली इंजॉयड माई सेल्फ इन द परफॉर्मेंस. अभी मॉनी ने भी किया, सो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस होता है तो एक अलग सी नर्वसनेस होती है कि कैसे होगा, बट टच वुड रियली फाइन. शाम बहुत ही अच्छी थी. आई हैव टू से समथिंग वेरी नाइस अबाउट अदा, वी डोंट नो ईच अदर पर्सनली, वी नो ऑफ ईच अदर बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड हैड कम फ्रॉम दिल्ली एंड ही रियली वांटेड टू गो एंड सी नागिन शूट एंड शी वाज स्वीट इनफ टू स्टॉप हर कार एंड लेट हिम मूव इन. You don't remember this? I know, of course I remember. You did that for my friend and I'm really, really thankful. Thanks so much. Come on, yeah. See you guys. Bye. Love you. Yes. परफॉर्मेंस अच्छा गया एंड शाम ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी थी. सारे दोस्तों से मिली मैं और अभी भी जो ऐश्वर्या आई मेट हर, आई मेट ऑल माय फ्रेंड्स ओवर हियर, इट वाज अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड एज यूजुअल आईटी में बहुत मज़ा आया. नागिन की बात करके गए आपके फैंस देखिए. देखो आई डोंट नो कि मैं हूँ भी या नहीं नागिन श्री में, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड जो भी नागिन श्री करेगा बस बेस्ट विशेज करना चाहूँगी बिकॉज एज ऑफ नाउ आई रियली डोंट नो इफ आई एम अ पार्ट ऑफ इट. अच्छा, अदर चिल्ड्रंस डे आ रहा है जहाँ आजकल के बच्चे मोबाइल्स पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आउटडोर और प्ले बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? आई फील रियली सैड यार, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बच्चों को फोन्स के साथ देखती हूँ. आई थिंक छोटे बच्चे हैं तो जैसे हमने अपना बचपन बताया है खेल कूद करके, दैट्स हाउ वी ग्रो एंड दैट्स व्हाई नो, तो दैट्स व्हाई आजकल के बच्चे भी बहुत डेलिकेट हैं, थोड़ी सी चोट लगती है तो रोने लगते हैं एंड दे आर वेरी डेलिकेट नाउ डेज. पहले थोड़े यू नो खट्टे खट्टे जितना गिरते थे उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, पर अब आई फील दैट बच्चों को फोन देना नहीं चाहिए. जैसे हम खेल कूद करके बड़े हुए हैं, आई फील वो होना चाहिए. आई थिंक द किड्स शुड नॉट लूज देयर इनोसेंस इज व्हाट आई फील एंड या सो आई थिंक पेरेंट्स शुड डेफिनेटली. अदर लास्ट क्वेश्चन चेक अप, बिग बॉस ऑफ फॉलो कर रही है, तो कैसा लगा मतलब इस बार का कंट्रोल से स्टार्ट, फर्स्ट इज कंट्रोल से स्टार्ट हो गई क्या कहना चाहिए इस बार का बिग बॉस? यस, इट इज डेफिनेटली वेरी कंट्रोवर्शियल. आई थिंक इट्स बिकॉज हर साल लोग देखते हैं बिग बॉस एंड उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट डेफिनेटली माई फ्रेंड विकास इज़ माई फेवरेट एंड आई सपोर्ट हिम एंड मैं बहुत प्राउड हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ विकास जो जैसे खेल रहे हैं. आई डोंट नो कि वो इतनी स्ट्रांग है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू विकास एंड आई सपोर्ट विकास एंड हितेन ऑल्सो. अच्छा, अगर हितेन और विकास को छोड़ कर बात की जाए तो सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है बिग बॉस में? अदाब, आई थिंक सभी गेम खेल रहे हैं, सब अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं, सो आई डोंट नो, बट सब गेम खेलने का तरीका अलग अलग है. कुछ लोग चीप हो रहे हैं और कुछ लोग डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ प्लेइंग. आपको लगता है शिल्पा कुछ ज़्यादा कर रही है जिस हिसाब से हो रहा है? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, एज आई सेड कि लोग कर रहे हैं, कुछ लोग चीप हो रहे हैं, कुछ लोग डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, सबका अपना तरीका है खेलने का, तो मैं किसी एक को नहीं कह सकती हूँ कि कौन अच्छा खेल रहा है कौन बुरा खेल रहा है कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम, ये सबका अपना तरीका है. आई माइट कमेंट ऑन दैट, आई थिंक ऑडियंस नोज द बेस्ट, सो आई रियली डोंट वांट टू से एनीथिंग. इसको विनर के तौर पे देखना चाहती हूं, अगर प्रेडिक्ट किया जाए तो सिंस आई हैव माय फ्रेंड विकास आई विल डेफिनेटली सपोर्ट हिम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.